নমশূদ্র। তিনসুকিয়া জেলার ঝোলার কাছে খের বাড়িতে এই হত্যাকাণ্ড ঘটে। তিনসুকিয়া জেলার ঢোলার কাছে খের বাড়িতে ঢোলা সাদিয়া সেতু, সন্ধে তখন প্রায় সাতটা। ওই সেতুর কাছে একটি দোকানে বসেছিলেন সাত বাঙালি, আর হঠাৎই সেখানে আসে জলপাই পোশাক পরা কয়েকজন। দোকান থেকে সাতজনকে ডেকে নিয়ে যাওয়া হয়, দোকান থেকে সেতুর নিচে নিয়ে গিয়ে গুলি করা হয় তাঁদের। আতঙ্কে জ্ঞান হারান একজন, গুলি লাগে ছজনের গায়ে। ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় চারজনের, হাসপাতালে মৃত্যু হয় আরও একজনের। আশঙ্কাজনক অবস্থায় হাসপাতালে ভর্তি রয়েছেন একজন। এইভাবেই নারকীয় হত্যা লীলাকালকে চালানো হয়। অঞ্জনীল কাশ্যপ আমাদের প্রতিনিধি মুহূর্তে আমার সঙ্গে রয়েছেন, এবং এই মুহূর্তে ঠিক কি পরিস্থিতি গোটা অসমের প্রথমেই জেনে নেওয়ার চেষ্টা করব। আবি কি পরিস্থিতি হয় অঞ্জনীল? जस्ट एंड मेल अभी मुझे मेल भेजा है, और इस मेल में ये लिखा है कि उल्फा उग्रवादी जो है इंडिपेंडेंट जो है परेश बरुआ लेट ये जो है वो इस घटना के पीछे इनका उनका हाथ नहीं है। ये उल्फा ने डिनाई किया है कि जो पांच हिंदू बंगाली मूलवासी लोगों की हत्या की गई है कल, उनके पीछे उल्फा इंडिपेंडेंट परेश बरुआ ग्रुप का और विंग का कोई हाथ नहीं है। अब ऐसे में अगर उल्फा के तरफ से ये बयान आता है, ये प्रेस रिलीज आता है कि उनका इस घटना के पीछे हाथ नहीं है, तो फिर किसका हाथ हो सकता है? क्योंकि जो तिनसुकिया के लोकल पब्लिक हैं और जो हिंदू बंगाली लोग हैं या हिंदू हिंदी भाषी लोग हैं, उनका कहना है कि उल्फा ने इससे पहले भी कई बार इस तरह की घटना को अंजाम दिया है और फिर डिनाई भी किया है, लेकिन बाद में पुलिस के जांच रिपोर्ट में आर्मी की रिपोर्ट में निकला है कि उल्फा ने ही इस तरह की घटना को अंजाम दिया है। तो ये अभी लेकिन फिलहाल तो अल्फा ने प्री रिलीज जो किया है उसके मुताबिक तो उन्होंने इस घटना कोई लोग इस घटना के पीछे नहीं। অঞ্জনীল, গতকাল যখন এই ঘটনা ঘটে এরা সকলে মিলে তারা চায়ের দোকানে বসে আড্ডা মারছিলেন, এবং জলপাই পোশাক পরে কয়েকজন আসে দুষ্কৃতি, এবং তারপরে এই গোটা ঘটনাটা ঘটে, তাদেরকে নিয়ে যায়। কিভাবে গোটা ঘটনাটা ঘটলো, কিভাবে তারা অপারেশনটা চালালো, কি জানা যাচ্ছে এ বিষয়ে? देखिए ये जो ढोला खेरवाड़ी जो क्षेत्र है ये अरुणाचल के जंगल से सटा हुआ क्षेत्र है, अरुणाचल के बॉर्डर में, और अरुणाचल की उस बॉर्डर एरिया में उल्फा का कई कैंप जो चलते हैं जो है ऐसा कहा गया। आर्मी ने कई बार ऑपरेशन भी किया है और हाल फिलहाल में भी रिसेंटली आर्मी ने वहां ऑपरेशन किया था और कई आर्मी ने दो एक कैडर को उल्फा के मार गिराया भी था। तो कहीं ना कहीं ये एक सुविधा मिल जाती है कि जंगल के तरफ ही लोग भी भाग जाते हैं उल्फा उस तरफ, और असम पुलिस उस तरफ जा नहीं सकता है, उस तरफ सेना या बीएसएफ उस तरह के एसएसपी के जवान ही जा सकते हैं, तो इसलिए ये कहीं ना कहीं को एक सुविधा मिल जाता है उग्रवादियों को भागने का और वहां से आने का। और वो बहुत बड़ी भीषण जंगल है, पहाड़ी क्षेत्र है अरुणाचल के तरफ में, तो ये इस तरह से इस घटना को अंजाम देते हैं क्योंकि ये लोग शहर के बीच में तो रह नहीं रह सकते। उग्रवादी हत्या करके कमजोर और गरीब लोगों की हत्या करके फिर वो शहर से दूर ही उनको भागना पड़ेगा, और ये जो क्षेत्र है ये अरुणाचल के जंगल का एरिया है, इसलिए इन लोगों को इस तरह का मौका मिल जाता है। आहतरा कैमन आछे, तादेर की चिकित्सा चलछे तखन हासपाताले? हाँ, दे आर स्टिल अंडर ऑब्जर्वेशन इन आईसीयू एंड एज पर डॉक्टर की दे आर नॉट आउट ऑफ डेंजर। सो डॉक्टर ने कन्फर्म की ये जो है 11 बजे के आसपास ही कन्फर्म कर सकते हैं कि जो दो लोग जो अभी इलाज चल रहा है और ट्रीटमेंट चल रहा है तिनसुकिया जिला अस्पताल में, वो उनकी क्या हालत है वो 11 बजे के आसपास ही डॉक्टर कन्फर्म करेंगे। आपात धन्यवाद।